दोस्तों आज हमारे पास एक पोको M2 मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है, मोबाइल ऑन होता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे टेक्नीशियन ने इसको देखा है, लेकिन कोई कहता है पावर ऐसी ख़राब हो गया, कोई कहता है चार्जिंग ऐसी ख़राब हो गया, कोई कहता है मदरबोर्ड पूरा चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको बदलना पड़ेगा मदरबोर्ड को, ठीक है। तो मैंने पहले से इसको खोल के डायग्नोस किया है, थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया है और मुझे पता चल गया इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, इसलिए ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं डीसी चार्जर में लगा के दिखाता हूँ इसका चार्जिंग का क्या कंडीशन है। ओके, ये टाइप सी का पोर्ट है तो मैं टाइप सी का चार्जर इसमें इंसर्ट करता हूँ। और इंसर्ट करते ही यहाँ पे देख सकते हैं 0.12 5 6 ऐसा कुछ एबनॉर्मल रीडिंग दिखाता है। तो इसका मतलब है ये मोबाइल कहीं ना कहीं शॉर्ट है, ठीक है। ऐसा रीडिंग आएगा तो आपको मोबाइल में शॉर्टिंग को चेक करना है। हो सकता है इसका चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हो या पावर ऐसी शॉर्ट हो, और हो सकता है छोटा कोई भी कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग बोर्ड को बाहर निकालेंगे। मैंने इसका कैमरा ये सब खोल के रखा है पहले से ही, नहीं तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद होता। तो बोर्ड को निकाल लेंगे अभी और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर से हम लोग बीप रेंज में दिखाएंगे। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे बीप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव में भी बीप आ रहा है और ग्राउंड में भी बीप आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसका हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे पावर एसी के आसपास कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं है। शॉर्ट तो नहीं आ रहा है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले बीट मैप पे जाएंगे और बीट मैप पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने इसका पॉजिटिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नेटवर्क ऐसी के बगल पे डायरेक्ट वोल्टेज बैटरी कनेक्टर से जाता है और पावर ऐसी में एक पॉइंट जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और EMMC के ऊपर या UFS के ऊपर यहाँ पे जाता है वोल्टेज। और ये रह गया चार्जिंग ऐसी, यहाँ पे जाता है और ये 4G ऐसी पे जाता है। तो हम लोगों को इन सारे जगह पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रोजिन यूज़ करेंगे, शॉर्ट देखते हैं कौन सा ऐसी शॉर्ट हुआ है। तो रोजिन यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रोजिन को इस तरह से सबसे पहले नेटवर्क ऐसी के आसपास रोजिन अप्लाई करेंगे, कर दिया। और हो सकता है बैटरी कनेक्टर के जो पॉजिटिव लाइन के साथ डायोड या कैपेसिटर कनेक्टेड हो वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोजिन हम लोगों ने लगा दिया। अभी कहाँ जा रहा है पॉइंट, यहाँ 4G IC के आसपास। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा रोजिन लगा के देंगे अच्छी तरह से और ये चार्जिंग IC के पास, ठीक है। तो इस तरह से रोजिन अप्लाई करने के बाद मैंने एक स्पेशल शॉर्ट किलर बनाया है लैपटॉप के डेड बैटरी से, ये रहा उस वो शॉर्ट किलर। तो बहुत हाई क्वालिटी का शॉर्ट किलर है ये, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो कमेंट ज़रूर करना, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पॉजिटिव को बी बैट या बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और ग्राउंड को ऐसे ग्राउंड में टच करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो आइए कनेक्ट कर लेते हैं।
कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे इस बोर्ड के इस तरफ पहले चेक करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे चेक करेंगे ग्राउंड के साथ, थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग आईसी के पास जो कैपेसिटर है ये जल गया, इसका मतलब प्रॉब्लम इसमें ही है, तो हम लोग इसको निकाल देंगे धीरे से। निकल दिया, अभी इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से। देख सकते हैं ये फुल शॉर्ट है, तो एक छोटा सा कैपेसिटर के कारण पूरा एक मोबाइल ही डेड हो गया था। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट किलर का जम्पर अभी हटा देंगे, हटाने के बाद चेक करते हैं अभी इसमें शॉर्ट है या शॉर्ट हट गया है। तो देख सकते हैं पॉजिटिव में अभी शॉर्ट था पहले, अभी शॉर्ट हट गया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रीडिंग आया है। अभी एक काम करते हैं, मोबाइल को चार्जर पे लगा के देखते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम करता है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ठीक है। तो चार्जर पे लगाते हैं अभी, और चार्जर एम्पियर कितना लिया, 1.86 ले रहा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है चार्ज कम हो थोड़ा सा, 1.8 लेता है, 1.8 अभी बोरिया रीडिंग लिया। तो मोबाइल पे देखते हैं क्या होता है। हाँ मोबाइल पे देख सकते हैं चार्ज हो रहा है, तो इस तरह से कोई भी मोबाइल का शॉर्ट बहुत ही आसानी से आप लोग क्लीन अप कर पाएंगे। अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखना। एंड ये वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।